गाइस, आज का वेदर तुम लोगों को ज्यादा खराब नहीं लग रहा यार? अरे हाँ फ्रेंकली, मैं सही कहा यार, पूरे लॉस सेंटोस पे भाई साहब यार बर्फ ही बर्फ जो वो गिर चुका है। और गाइस देखो यार, इस बार तो कुछ अधिक बर्फ गिरा है यार, पिछले बार के मुकाबले इस बार कुछ अधिक मात्रा में जो है बर्फ जो है गिरा है यार। और देखो भाई साहब, यहाँ पे हमारा चिमनी वगैरह सब कुछ यहाँ पे ढक दिया है। अरे यार, यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है यार गाड़ी निकालना। यहाँ पे भाई साहब देखो यार, गाड़ी के ऊपर भी पूरा बर्फ जो है पड़ चुका है। अरे यार, ये किसका फोन है इस टाइम पे? भाई साहब माइकल। अरे हाँ माइकल बोल। अरे फ्रैंकलिन न्यूज देखो। अरे क्या हो गया? अरे फ्रैंकलिन, टीवी वाले कह रहे हैं कि आइस एज जो फिर से आने वाला है। क्या भैया, क्या 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 आइस एज? अरे हाँ फ्रैंकलिन, आइस एज जो फिर से आने वाला है, और ये आइस एज जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। ये आइस एज पूरे 6 महीने तक रहेगा। अरे फ्रैंकलिन भैया, आइस एज क्या है यार? अरे सिंचन, एक टाइम आया था भाई साहब पृथ्वी पे, जहाँ पर भाई साहब पूरे पृथ्वी जो है बर्फ पे ढक गया था, और वहाँ पे एक भी ऐसा सैंड नहीं था जहाँ पे जो बर्फ जो नहीं जमा था। भाई साहब खाना पीना रहना हगना मूतना भाई साहब सब कुछ ये प्रॉब्लम हो गया था। अरे माइकल भाई साहब, तू क्या बोल रहे है? अरे हाँ फ्रैंकलिन, टीवी देखो। अरे ठीक है भाई साहब, फोन रखो, मैं एक बार देख के आता हूँ। अरे गाइस तुम लोग रुको, मैं जाके एक बार टीवी पे न्यूज देख के आता हूँ कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं टीवी वाले। अरे टीवी 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 भाई साहब, टीवी भाई साहब यहाँ पे क्या बोल रहा है यार टीवी वाले? अरे टीवी तेरी तो ऐसे की तैसी भाई साहब, न्यूज चलाओ। चलो यार अभी देखते हैं क्या बोल रहे हैं टीवी वाले। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग, आज से ठीक 4 घंटे बाद शुरू होने वाला है आइस एज बही युग, जो कि यहाँ पर जो पृथ्वी पे आज से लगभग 2500 हजारों साल पहले आया था। और उस युग में जो है बहुत सारे प्राणी बहुत सारे चीज जो वो अपने प्राण को जो गवाया था, तो फिर सेम चीज अभी जो वो होने वाला है आज से ठीक 4 घंटे बाद। और ये आइस एज जो पूरे 6 महीने तक रहेगा, तो फिर अगर आप लोग इस आइस एज में जो बचना चाहते हो, तो फिर आप लोग अभी से जो वो बोरिया बिस्तर पैक करके खाना पीना पैक करके अपने घर के अंदर रहिए। और यहाँ पे सूत्रों के मुताबिक यहाँ पर जो बहुत ही बुरी तरीके से जो है वो वाइन स्टॉर्म भी आ सकता है, जिस वाइन स्टॉर्म के कारण की वजह से यहाँ पे बहुत सारे लॉस सेंटर्स के घर वगैरह सब कुछ जो तहस नहस हो सकता है। तो फिर आपका जो वो ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, और यहाँ पे ज्यादा जानने के लिए यहाँ पर हमारे टीवी यहाँ पर जो वो नजर रखते रहना। अरे यार गाइस, बहुत बुरी तरीके से फंसे यार यहाँ पे आइस एज के मामले में। भाई साहब हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये एक डिजास्टर है भाई साहब, यहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। अरे फ्रैंकलिन भैया, एक काम कर सकते हैं ना? अबे भाई साहब क्या यार? अरे फ्रैंकलिन भैया, यहाँ पे चलो ना, खाना पीना पैक करके हम लोग जो कहीं पे चले जाते। अरे यार चले जाते कहाँ जाएंगे, माइकल को फोन कर लेता हूँ। माइकल, अरे हेलो माइकल। हाँ फ्रैंकलिन बोलो। अरे माइकल, यहाँ पे आइस एज तो भाई साहब आ रहा है, बट यार तुमने कुछ सोचा है क्या कि यहाँ पे कैसे करके सरवाइव करे? और फ्रैंकलिन सोचना क्या है भाई साहब, मेरे दिमाग पे एक बहुत बढ़िया आइडिया है। अरे आइडिया, कौन सा आइडिया? और फ्रैंकलिन क्यों ना चलो एक काम करते हैं, एक अंडरग्राउंड सीक्रेट बेस बना लेते हैं, जहाँ पर हम लोग खाना पीना सब कुछ जो रख देंगे फ्रैंकलिन, और उसी बेस में हम लोग जो सभी लोग मिलके यहाँ पे जो लड़ाई करके बनाएंगे, और यहाँ पे जो जो हमारा मदद करेगा उन सभी को हम लोग उसी बेस में रखेंगे फ्रैंकलिन। क्योंकि देखो, अगर यहाँ पे बिजली चला गया तो फिर यहाँ पे हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। वो जगह हम लोग ऐसे करके बनाएंगे जहाँ पर जो है वो सभी लोग जो आ सकते हैं, लेकिन 6 महीने तक हम लोग उसी बंकर के अंदर जो वो रहेंगे फ्रैंकलिन। आइडिया बुरा नहीं है यार, लेकिन ये जगह मिलेगा कैसे? अरे फ्रैंकलिन एक काम करो, तुम जितना जल्दी हो सके तुम माउंट चिलियाट के पीछे वाले जो यहाँ पे रास्ता है उस रास्ते पे आ जाओ फ्रैंकलिन, हम लोग मिलके कुछ बनाते हैं, कुछ सोचते हैं, मैं पूरा टीम जो है बंदोबस्त करता हूँ। अच्छा ठीक है यार, मैं जाता हूँ, रख फोन। अरे गाइस यार, यहाँ पे बचने का सिर्फ यही रास्ता है। चलो यार अभी जो हम लोग यहाँ पे माइकल के पास जाते हैं और जाके भाई साहब अंडरग्राउंड बंकर जो बना लेते हैं। अरे यार ये देखो भाई साहब, टाइम बहुत ही ज्यादा कम है, यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से तुम लोग भी आ जाओ। अरे हाँ फ्रैंकी भैया, मैं भी आया। अबे तू कहाँ से टपका? फ्रैंकी भैया ऊपर से। अरे फ्रैंकी भैया मैं पीछे बैठा हूँ यार,
जहाँ मर्जी बहा बैठ जा भाई साहब। चलो यार अभी हम लोग जाके भाई साहब माइकल की साथ मिलके कुछ यहाँ पे बंकर बनाने के बारे में बात करते, क्योंकि यहाँ पे अगर आईसीएस से बचना है तो फिर भाई साहब बंकर। यार अरे यार गाड़ी टूट गया भाई साहब। अरे फ्रेंकी भैया हम लोग आईसीएस से मरे यहाँ पे ना मरे यार, आपके ड्राइविंग से जरूर मर जाएंगे। बीच बीच में हो जाता है यार, ऐसे करके मत बोला कर। चलो यार अभी हम लोग जाते हैं यार, यहाँ पे जाके ही कुछ पता लगेगा। अरे यार पूरे लॉस सैंटोस से बर्फ ही और बर्फ भाई साहब, रास्ता कुछ भी पता नहीं चल रहा है यार। अरे चलो यार यहाँ पे भाई साहब ठीक से जाना पड़ेगा। और गाइस देखो यहाँ पे जाके ही पता लगेगा कि माइकल जो क्या बोल रहा था, कौन से बंकर के बारे में बोल रहा था। अरे चलो यार यहाँ पे चलना पड़ेगा, और पता नहीं बंकर बनाने में कितना खर्च आएगा क्या आएगा। तो फिर माइकल ने कहा था इसी वाले लेक के सामने, लेकिन माइकल, अरे लगता है वो माइकल है क्या। थोड़ा सा आगे जाके देखता हूँ भाई साहब। अरे ये क्या है, तो पेड़ है। अरे बो रहा माइकल माइकल माइकल, अरे माइकल भाई साहब मैं आ रहा हूँ यार। अरे देखो सिंचर ये रहा माइकल भैया। अरे माइकल, अरे फ्रैंकलिन इतना लेट। अरे माइकल यार थोड़ा सा लेट हो गया भाई साहब। अरे फ्रैंकलिन देखो यार आने में 2 घंटे बर्बाद कर दिए, अभी बताओ यहाँ पे 2 घंटे में कैसे करके बंकर जो है तैयार होगा। अरे यार बंकर तैयार कैसे होगा भाई साहब, ये तो बहुत ही ज्यादा भाई साहब बढ़िया बात कहा तुमने, लेकिन यार बंकर 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 भाई साहब कैसे चाहिए। अरे यार एक काम करते हैं ना। अरे हाँ फ्रैंकलिन बोलो। अरे यार इसी के नीचे बंकर बना लेते हैं। और गाइज यहाँ पे बंकर बनाने के लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है। अरे फ्रैंकलिन कैसा आइडिया। अरे यार कुछ भी आइडिया नहीं है, मैंने तो बस ऐसे ही फेंक दिया। अरे यार फ्रैंकलिन तुम भी ना। अरे यार ऐसे करके अगर बोलोगे तो बंकर क्या कुछ भी जो नहीं बनेगा भाई साहब। अरे मैं तो गिर गया, अरे कितना ठंडा पानी है भाई साहब। अरे एक काम करते हैं, चलो यार काम जो शुरू कर देते हैं। अरे फ्रैंकलिन ठीक है। ओ भाई साहब अरे ये क्या हो गया। अरे फ्रैंकलिन लगता है आज से जो शुरू हो गया है। अरे यार देखो पूरा धुंधला धुंधला। अरे यार गाइज यहाँ पे बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है यार, अभी हम लोग कैसे करके भाई साहब यहाँ पे सब कुछ तैयारी करेंगे। अरे फ्रैंकलिन वो ही तो मैं कह रहा हूँ मेरा भाई, जल्दी से यहाँ पे कुछ भी करो लेकिन बंकर बना लो। अरे 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 बंकर कैसे बनाओ। ठीक है भाई साहब यहाँ पे भाई साहब एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर जो वो खुदाई का काम करता हूँ, माइकल तुम यहाँ पर भी खुदाई का काम करो, और तुम लोग भाई साहब यहाँ पे सीमेंट ईंट भाई साहब सब कुछ का काम करो। हम लोग जितना जल्दी हो सके एज सून एज पॉसिबल हमको बनाना पड़ेगा बंकर। अरे फ्रेंकी मैं ठीक है यार। अरे ठीक है गाइस यार चलो यार यहाँ पे आईसीएस से बचने का तरीका सब यही है। अगर यहाँ पे आईसीएस से हम लोग नहीं बच पाए और अगर बंकर के अंदर नहीं छुप पाए तो फिर भाई साहब हम लोगों का मौत तो एकदम तय है। तो फिर ठीक है गाइस जाओ, मैं आके यहाँ पर जो गाड़ी वगैरह लेकर आता हूँ, तुम लोग काम करना शुरू कर दो, मैं यहाँ से गाड़ी लेकर आता हूँ, यहाँ पर एक रेंट पे गाड़ी मिलता है। चलो यार A few moments later. अरे यार लॉल मैंने तो कह दिया था कि ये पर मैं गाड़ी लेकर आऊंगा। अरे माइकल मुझे कोई भी गाड़ी नहीं मिला है यार। अरे फ्रैंकलिन कैसे मिलेगा यार, आइस एज के कारण सब दुकान जो बंद है, सब रेंटेड हाउस भी बंद है। अरे कोई बात नहीं फ्रैंकलिन, मैंने यहाँ पे कुछ औजार लेकर आया हूँ, उससे काम चल जाएगा। अरे ठीक है ठीक है ठीक है चलो यार। अरे माइकल माइकल करे क्या करे क्या। अबे एक मिनट ये कौन है भाई साहब। अरे ये कौन है माइकल। अरे फ्रैंकलिन ये कौन है। अरे मैं तो वही बोल रहा हूँ भाई साहब ये कौन है। अरे देखो यार कैसे करके मुझे मार रहे। अरे माइकल 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 बचाओ यार। अरे मुझे पता नहीं भाई साहब कौन है ये। अबे चलो हटो, अबे हट, अबे हट। अरे मेरे पास बंदूक 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 अबे मेरे पास है भाई साहब यहाँ पे। अरे चलो मैं इसको मार देता हूँ भाई। अरे ये क्या है भाई साहब ये। अरे यार कितना अजीब है, देखो यार यहाँ पे तो बहुत ज्यादा अजीब है यार। अरे फ्रैंकलिन ये तो कोई बिग फूट है यार। अरे यार बिग फूट क्या है। अरे फ्रैंकलिन आइस एज के टाइम पे यह जानवर जो आता है और हम लोग समुन्द्र के किनारे है, मतलब हम लोगों को मारने के लिए जानवर जरूर आएगा। अरे यार ठीक है मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे बिग फूट को मारता हूँ, और भाई साहब तुम लोग यहाँ पे जाके कुछ भी करो यार, लेकिन यहाँ पे जो वो बंकर जो तैयार रहना चाहिए। अरे फ्रैंकलिन तुम मार पाओगे क्या। अरे मैं कोशिश तो करूंगा। अरे ठीक है फ्रैंकलिन लेकिन अपना ख्याल रखना। अरे ठीक है मेरे पास बहुत सारा यहाँ पे हथियार है। अरे फ्रैंकलिन उसको जान से मत मारो, वो भी यहाँ पे नाजुक है यार। अरे यार ऐसे करके बोलोगे तो मैं कैसे मारूंगा। अरे ठीक है फ्रैंकलिन। अरे फ्रैंकलिन भैया आप अपने जान का कुर्बानी दोगे क्या। अरे सिंचन यहाँ पे ऐसे बचने के लिए भाई साहब करना तो पड़ेगा, तुम लोग भाई साहब बिना टाइम गवाए शुरू कर दो। और वो देखो और भी बिग फुट आ रहा है यार।
अरे तुम लोग काम शुरू करो, मैं मारने शुरू करता हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे भाई साहब इस छुरी से मारूंगा, बिगफुट मैं छुरी से मारूंगा। ठीक है यार, तो फिर जाओ तुम लोग काम करना शुरू करो। अरे यार भाई साहब देखो यार कितना ज्यादा खतरनाक है। चलो मार तो दिया और लगता है भाई साहब एक मिनट ये सब तो यहाँ पर नहीं था यार। अरे बापरे 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 इतना सारा डस्ट, इतना सारा भाई साहब ये कहाँ से निकला? और फ्रैंकलिन ये सब कुछ हमने किया यार। ओ तेरी की, अबे देखो यार बर्फ गिरना शुरू हो गया यार। अरे हाँ फ्रैंकलिन सही कहा, अरे यार हम लोग जमने वाले है भाई साहब, यहाँ पे जल्दी करो, जल्दी से आ जाओ। लेकिन यार माइकल भाई साहब ये टूट तो नहीं जाएगा ना? अरे नहीं फ्रैंकलिन, अपने दोस्त के ऊपर भरोसा रखो यार। अरे भरोसा है भाई साहब इसीलिए जा रहा हूँ। अरे तुम लोग भी आ जाओ मेरे पीछे पीछे। अरे चलो 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 भाई साहब आ जाओ यार, सब लोग यहाँ पे टीम बना के आओ। अरे चलो यार पहुँच गया। अरे गाइस तुम लोग भी आ जाओ यार। अरे हाँ फ्रैंकलिन। अरे माइकल भाई साहब सच में यार बहुत ही ज्यादा मजेदार चीज बनाया है, लेकिन क्या इसी के अंदर हम लोग भाई साहब 6 महीने तक जिंदा रहेंगे? भाई साहब देखो यार इतने सारे डस्ट, इतने सारे सोयल के बाद भाई साहब क्या हम लोग की 1 मिनट दरवाजा किस लिए यार? अरे फ्रैंकलिन इसी के पीछे तो है हमारा बंकर, जहां से जाने का रास्ता है। अच्छा ठीक है यार, चलो तो मैं ओपन करूं। अरे हाँ हाँ बिल्कुल फ्रैंकलिन, यहाँ पे बर्फ भी गिर रहा है। अरे सही कहा यार, तो फिर मैं ये ओपन कर रहा हूँ। तो फिर रेडी गाइज, 3, 2, 1। वो तेरी की, ये क्या है भाई साहब? अरे फ्रैंकलिन यही तो है बंकर। वो तेरी की गाइस देखो यार बहुत ही बढ़िया बंकर बनाया तुम लोगों ने। अरे गाइस देखो यार यहाँ पे बंकर के अंदर भाई साहब एसी 6 महीने तक यहाँ पर गुजारना होगा भाई साहब, बहुत ही अमेजिंग यार। ये देखो इन लोगों ने तो यहाँ पे सब कुछ का जुगाड़ करके रखा है। अरे गाइस अमेजिंग यार, यहाँ पे बंदूक है, यहाँ पर भाई साहब सब कुछ का बंदोबस्त करके रखा है तुम लोगों ने। अरे गाइस 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 यहाँ पे देखो यार खाना पीना सब कुछ है। 6 महीने क्या, यहाँ पर तो मैं 1 साल भी बिता दूँ। अरे देखो यार कॉफी रखा है गर्मा गर्म, और गाइस यहाँ पे देखो यार स्प्राइट रखा है, कोका कोला रखा है भाई साहब, ये देखो डस्टबिन है भाई साहब, बहुत ही अमेजिंग यार। माइकल और शिनचैन नोबिता तुम लोगों ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। अरे देखो 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 भाई साहब ये जगह देखो, इसके पीछे क्या है? अरे फ्रैंकलिन ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है यार, इसको हम लोग बाद में ओपन करेंगे। अच्छा ठीक है यार। और गाइस कुछ भी बताओ यार,
ये जगह देखो यार, अमेजिंग जगह है यहाँ पे। और यार देखो ये जो जगह है यहाँ पे, देखो यार एक बार ठीक से देखो ये जगह पे इन लोगों ने क्या क्या नहीं रखा है। गाइज अमेजिंग किया है तुम लोगों ने, बहुत ही ज्यादा बढ़िया किया है। ये देखो भाई साहब यहाँ पे एक ट्रैक बनाया है ताकि हम लोग यहाँ पर जो खेल सके। यार तुम लोगों ने कमाल कर दिया गाइज, सच में यार। ये टेबल भाई साहब तुम लोगों ने किस लिए रखा है? और फ्रैंकलिन यहाँ पे हम लोग अड्डे मारेंगे, गप्पे सप्पे यहाँ पे जो लगाएंगे। अरे यार एक कोल्ड ड्रिंक्स खा लेता हूँ यार, चलो। एक मैंने छोटा सा भाई स्प्राइट ले लिया और ये आ गया भाई साहब। चलो यहाँ पे अभी जो मैं पी लेता हूँ। भाई साहब आराम मिला। चलो यार इस जगह पे देखते इस जगह के अंदर क्या है यार। अरे चलो इसके अंदर जाते हैं। और फ्रैंकलिन ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है यार। अच्छा ठीक है यार, तो फिर गाइज यार देखो ये जगह तो ऑसम बनाया है इन लोगों ने। अरे यार तुम लोगों को मैं भाई साहब चूमने का मन कर रहा है। तो ठीक है गाइज यार ये वीडियो यही तक था, कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। और गाइज आइस एज में हम लोग बचने का तरीका भी ढूंढ लिए। तो फिर मिलते हैं गाइज ऐसे वीडियो के साथ दूसरे बार, तब तक के लिए गाइज बाय।